गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे स्वर्ण का इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फॉर हाइड्रोजन एटम और पार्टिकल। तो मैं आपको बता दूं, इससे मैं जो प्रीवियस वीडियोज हैं स्वर्णगर इक्वेशन पर अपलोड कर चुका हूं, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जरूर देखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जो स्वर्णगर इक्वेशन था टाइम इंडिपेंडेंट, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया था, आज हम उसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। मतलब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी डेरिवेशन कराता हूं तो हिंट आगे हिंट देता हूं। अगर हमें किसी भी डेरिवेशन को सीखना है तो आगे हमें हिंट बना लेनी चाहिए। हिंट बना लेते हैं तो हमारा जो डेरिवेशन है वो हमें पता चल जाता किस स्टेप के बाद क्या करना है। तो इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए। तो सबसे पहले आप हिंट में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप टाइम इंडिपेंडेंट, जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट स्वर्णगर इक्वेशन है आप उसे लिखेंगे। ठीक, जो जो किस में दिया रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया रहेगा। ठीक, अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दी रहेगी, मतलब उनमें जो कार्टेशियन और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं उनमें रिलेशन क्या है। तो हमें वो रिलेशन एक्स बराबर होता आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई और वाई जो कल टू था आर साइन थीटा साइन फाई और जेड बराबर होता आर कॉस थीटा। ठीक, जिनमें रिलेशन होता है हम इनकी सहायता से आर थीटा और फाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अगर हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमारा आर की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू इसे इक्वेशन थ्री से प्राप्त हो जाएगी। तो कॉस थीटा और आर जेड अपॉन आ जाएगा। इक्वेशन टू को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो टेन फाइव बराबर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। इस प्रकार से हम आर थीटा फाई की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब हमें एक्स वाई जेड को किस में कन्वर्ट करना है, आर थीटा जेड में। ठीक, फिर जो हमारा थर्ड, आप जो हमारे स्पेस डेरिवेटिव हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल टू वाई अपॉन डेल जेड टू, मतलब जो हमारे स्पेस डेरिवेटिव है उसे हमें कन्वर्ट करना है आर थीटा फाई के टर्म्स के डेरिवेटिव के रूप में। तो हम इसमें चेन रूल लगाएंगे। कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल अगर हम डेल साई अपॉन डेल एक्स के लिए लगाएं तो होता है डेल साई अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल फाई और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। ये हमने डेल साई अपॉन डेल एक्स के लिए चैन रूल लगाया। ठीक, जो हमारा साई है, हम अब पोल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना है तो हमारा साई किसका फंक्शन होगा, आर थीटा फाई का। ठीक, तो हमने किया साई का आर के रिस्पेक्ट में, आर का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसी प्रकार हम सिमिलरली डेल साई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल जेड का करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं जो हमारा डेल आर अपॉन डेल एक्स है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, जो हमारी रिलेशन आ गए हम इनकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक, तो हमारा ये निकल आएगा स्पेस डेरिवेटिव। आप जो लास्ट पॉइंट है, आप इसमें डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, इसमें भी चैन रूल लगाएंगे। ठीक, तो क्या डेल वाई डेल आर, कहने का मतलब ये हमारा जो डेरिवेटिव दिया है आर एक्स वाई जेड के टर्म में है, डेरिवेटिव में हमें इसे कन्वर्ट करना आर थीटा फाई डेरिवेटिव के टर्म में। ठीक, आर थीटा फाई के टर्म के डेरिवेटिव्स के रूप में, तो क्या होगा डेल वाई डेल आर, डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल थीटा, डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल फाई, डेल साई अपॉन में डेल एक्स और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। इस प्रकार से ठीक लिखा हुआ ही है, जब डेल आर से डेल आर कैंसिल हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। कहने का मतलब जो हमारा जो टाइम इंडिपेंडेंट स्वर्णगर इक्वेशन लिखेंगे वो
हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी पार्टिकल के लिए 3D स्पेस के लिए लिखेंगे तो क्या होता है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस का बी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। जी हमारा टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट और नेगेटिव इक्वेशन होगा। हम इन हिंड के माध्यम से उस कार्डियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है श्रोडिंगर इक्वेशन उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब हम डेरिवेशन देखते हैं, बहुत आप हिंड पर ध्यान देंगे आप हिंड की सहायता से डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन सीख सकते हैं। सबसे पहले ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3D स्पेस फॉर द एम पार्टिकल या हाइड्रोजन एटम हैविंग कोऑर्डिनेट दी एक्स वाई जेड। हम आगे कार्डियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस का भी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। जो साई है एक्स वाई जेड का वेव फंक्शन है, ठीक, किस हाइड्रोजन एटम या पार्टिकल का, ठीक। जो हमारे इसमें बी है जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आर पर डिपेंड करती है, क्या होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन आर, ठीक। तो जो आर है वो डिस्टेंस है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख रहे जो हमारा जो कार्डियन फॉर्म में है, ठीक, बी आर पर डिपेंड करता है, अगर हम आर की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व करना जो श्रोडिंगर इक्वेशन डिफिकल्ट हो जाएगा यदि हम ये हमारा बी आर पर डिपेंड करता है मतलब पोलर फॉर्म में दिया, अगर हम इसको चेंज कर लें स्फेरिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तो जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। तो हम वही किया है, ठीक। हमने सेकंड पॉइंट आपको क्या बताया था, फिर आप रिलेशन लिखेंगे कार्डियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स बराबर आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा इंटू साइन फाई और जेड इक्वल आर कॉस थीटा। से हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, आप इस इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से इनमें आर थीटा एंड फाई की वैल्यू निकालेंगे। आप तीनों इक्वेशन देख रहे हैं इनको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो वहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी हमारी आर की वैल्यू, आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हम इक्वेशन जो थर्ड देख रहा था उससे हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है तो थीटा की वैल्यू कॉस थीटा और जेड अपॉन आर। हमने इक्वेशन टू को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दिया तो टेन फाइव बराबर वाई अपॉन एक्स हमारी मतलब फाइव। इस प्रकार हमने आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कॉस थीटा बराबर जेड अपॉन आर टेन फाइव बराबर वाई अपॉन एक्स हमने रिलेशन निकाली आर थीटा एंड फाई की वैल्यू, हमने इसे इक्वेशन टू दे दिया। फिर हमने आपको जो पॉइंट था हम हिंट पर ध्यान देते जाएंगे, इसके बाद हमने बताया था हम जो स्फीयर डेरिवेटिव हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स या डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू और डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई यूजिंग दी चेन रूल। तो हम डेल साई अपॉन डेल एक्स तो चैन रूल की सहायता से आर थीटा एंड फाई के टर्म के डेरिवेटिव के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है चैन रूल, डेल साई अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स। कहने का मतलब जो हमारा आप देख रहे हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन इनकी हमें वैल्यू आप किससे निकाल लेंगे, जो हमारे रिलेशन हमने आर थीटा एंड फाई की वैल्यू प्राप्त की थी, ठीक, तो हमें इनसे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो किस प्रकार से हम निकालते हैं, हमने दोनों प्रकार से किया, सिंप्लीफिकेशन से भी निकाला है, नहीं आप डाइट ये हमने कर दिया। हम आर स्क्वायर जो कल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आर स्क्वायर का टू आर और का एक्स रिस्पेक्ट में तो डेल आर अपॉन डेल एक्स टू एक्स और डेल वाई डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स अपॉन आर। हमने एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई तो कितना आ जाएगा वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स की साइन थीटा इंटू कॉस फाई। फिर हमने डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मतलब हमने जो कॉस थीटा और आर जेड अपॉन आर था इसका हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इसका कितना होगा आर एक्स का फंक्शन है तो माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स। हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दी तो हमारा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन आर।
आप सिंप्लीफिकेशन द्वारा भी देख सकते हैं, सरल है, नहीं आप डायरेक्ट देखो। फिर हमने डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए टेन फाई जो कल टू वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई और फाई का होगा तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे तो क्या होगा वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ने वैल्यू पुट की तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली कितनी माइनस का साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा। तो हम इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, हमने इक्वेशन उसे थ्री माना था, इक्वेशन थ्री में डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे। तो हमारा डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉस फाई डेल साई अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन डेल फाई, हमने इस इक्वेशन फोर दे दिया। ठीक, हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक, हमने सिमिलरली इसी प्रकार डेल साई अपॉन डेल वाई में चैन रूल लगाया, डेल साई अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा इंटू डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन, इसलिए कि जो हमारा स्पेस डेरिवेटिव है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लें, आर थीटा एंड फाई के टर्म के डेरिवेटिव के रूप में। ठीक, जो हमारा डेल आर अपॉन डेल वाई है और डेल थीटा इंटू डेल वाई है डेल फाई अपॉन डेल वाई, इनकी हम वैल्यू निकाल लें इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा देख रही ना आर थीटा फाई के डेरिवेटिव के फॉर्म में बन जाएगा। तुमने वही डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर जो कल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आर स्क्वायर का टू आर, आर के वाई के रिस्पेक्ट में तो डेल आर अपॉन डेल वाई इसका क्या होगा टू वाई, जे जीरो जे जीरो, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा इंटू साइन फाई। इसी प्रकार हमने डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली है, कॉस थीटा इज इक्वल किसके जेड अपॉन आर लिखा हमने, इसका पार्शली डिफ्रेंसिएसन कर दिया। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू किस वाई, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल वाई, और इसका आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई, हम डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल वाई माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख दी साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन आर। इस प्रकार हम डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, हमने टेन फाई इज इक्वल टू आई अपॉन एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारी निकल के कितनी आ जाएगी, हमारी निकल के आ जाएगी डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा। हम डेल हमारा डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल थीटा अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम इक्वेशन फाइव में पुट कर देंगे तो हमारा डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल फाई, इसे हमने इक्वेशन सिक्स दे दिया। सिमिलरली हम डेल साई और अपॉन डेल जेड की हम चैन रूल फिर लगाएंगे क्या डेल साई अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस, और फिर हमारा होगा डेल साई अपॉन डेल थीटा और इंटू डेल थीटा इंटू डेल जेड प्लस डेल साई अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड, हमने इस इक्वेशन सेवन दे दिया। हम इस अब हमें वैल्यू निकालना है डेल आर अपॉन डेल जेड डेल थीटा अपॉन डेल जेड डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक, तो हमने फिर वही किया जो हमारे तीन रिलेशन आ गए थे, हम उनकी वैल्यू ठीक निकालते हैं डेल आर अपॉन डेल जेड की, जो हमारा आर था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका हमने पार्शली डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो कितना आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी। हमने डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाल ली, ठीक, तो कितनी आ जाएगी हमने कॉस थीटा बराबर जो जेड अपॉन आर था इसका पार्शली डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो डेल थीटा अपॉन डेल जेड की वैल्यू आ गई माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। फिर हमने वैल्यू निकाली किसकी डेल फाई अपॉन डेल जेड की, हमने टेन फाई जो कल टू आई अपॉन एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड,
तो टेन फाइव का सेक स्क्वायर फाइव, फाइव का डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, वाई अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है तो जीरो, तो डेल फाइव अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। इस प्रकार से हमने इनकी वैल्यू निकाली। आप इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन सेवन में पुट कर देंगे तो हमारा डेल साई अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो हमने पुट दी वैल्यू ऑफ डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल थीटा अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड इन इक्वेशन सेवन। तो हमने सेवन में रख देंगे तो डेल साई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा इन टू डेल साई अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा, हमने इक्वेशन एट दे दिया। फिर हमने लास्ट पॉइंट बताया था कि हमें जो डेल जो हमारे स्पेस डेरिवेटिव हैं डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, आर थीटा एंड फाई के टर्म्स के डेरिवेटिव के रूप में। फिर हमने वही किसका चैन रूल का यूज किया, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर का चैन रूल, डेल आर अपॉन डेल आर डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ ही है। डेल आर से डेल आर कैंसिल हो जाएगा तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू ही लिखा है। हमें इनको चेंज करना है आर थीटा एंड फाई के टर्म में, तो वही कर रहे हैं डेल अपॉन डेल थीटा डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स। हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पता है जो हम इक्वेशन थ्री से पहले कर चुके हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है लिखा है, डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल आर डेल साई अपॉन डेल एक्स, हमने डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दी, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन में आर डेल डेल वाई डेल थीटा डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दी, माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई डेल साई अपॉन डेल एक्स। फिर हमने इक्वेशन फोर से डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हम जो हमने इक्वेशन फोर में डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली थी, अब उसमें इसमें हमने रख दी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, तो लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस फाई डेल वाई डेल आर डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी हमारी इक्वेशन फोर में साइन थीटा इंटू कॉस फाई डेल साई अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन डेल आर डेल साई अपॉन डेल थीटा माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा और डेल साई अपॉन डेल फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन आर, इधर तक ये हमारी किसकी वैल्यू थी, डेल साई अपॉन डेल एक्स की। हमें जो सेकंड टर्म में लिखा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन आर डेल वाई डेल थीटा, फिर वही डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दी जो इधर रखी थी वो इधर भी लिख दी। फिर थर्ड टर्म माइनस का साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल वाई डेल फाई, ये हमने डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हैं हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना, आर के रेस्पेक्ट में, जिसमें थीटा और फाई वाला टर्म है उसको हम कांस्टेंट के रूप में बाहर निकालेंगे, जो आर वाला है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक, तो जो आप सेकंड टर्म में देख रहे हैं हमने थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, जो आर और फाई वाला टर्म होगा उसे बाहर कर देंगे और थीटा वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। और थर्ड टर्म में फाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो फाई वाले को आप देख रहे कि थीटा और आर वाले को बाहर कर देंगे, फाई का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक, तो सॉल्व करने पर हमने इसे इक्वेशन नाइन दिया। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, हमने इसे इक्वेशन नाइन दे दिया। अब आप हमने डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू निकाली, अब आप वैल्यू निकालेंगे डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू, इसी प्रकार सिमिलरली निकालना है। ठीक, तो सिमिलरली हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें भी चैन रूल का यूज करेंगे। डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल डेल आर अपॉन डेल आर, इसको भी हमें स्पेस डेरिवेटिव को कन्वर्ट करना आर थीटा एंड फाई के टर्म्स के डेरिवेटिव के रूप में। ठीक, डेल वाई डेल आर डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर से डेल आर कैंसिल हो जाएगा तो वही लिखा डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक, आर थीटा एंड फाई के टर्म में व्यक्त करना है, हम थ्री डी स्पेस के लिए बात कर रहे हैं। तो प्लस डेल वाई डेल थीटा डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डेल थीटा इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई,
हम डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम जो इक्वेशन सिक्स, हम कहें जो हम इक्वेशन सिक्स से पहले निकाली थी, आप उसमें सब्स्टिट्यूट, उसकी वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी थी? साइन थीटा इंटू साइन फाई। और हमने आप देख रहे जो डेल साई अपॉन डेल वाई है, इसकी हमने इक्वेशन सिक्स से वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी साइन थीटा इंटू साइन फाई, डेल आर की जगह डेल वाई, डेल आर की जगह डेल वाई डेल आर। और डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी साइन थीटा इंटू साइन फाई, डेल साई अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन आर, डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा, डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस। फिर हमने डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन आर, डेल वाई डेल थीटा। फिर हमने डेल साई अपॉन डेल वाई की फिर वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट कर दी। आप थर्ड टर्म देख रहे हैं, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा, डेल अपॉन डेल फाई। फिर हमने डेल साई अपॉन डेल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, अब हम ये देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही बात आ गई आर के रिस्पेक्ट में। इसका हम कर रहे हैं फर्स्ट टर्म का, तो इसमें जो थीटा फाई वाला फंक्शन है वो बाहर निकल के आ जाएगा, जो आर वाला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जो आर फाई वाला टर्म होगा वो बाहर निकल आएगा और थीटा वाली का डिफरेंशिएशन होगा। इसी प्रकार थर्ड टर्म में फाई के रिस्पेक्ट में करना है, जो आर और थीटा वाला है टर्म वो बाहर निकल आएगा, फाई वाले का डिफरेंशिएशन होगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन किया, तो आ जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं, इक्वेशन हमने इसे 10 दे दिया। सिमिलरली आप इसी प्रकार से डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू के चैन रूल की सहायता से वैल्यू निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई डेल आर और डेल साई अपॉन डेल जेड इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस डेल वाई डेल थीटा, डेल साई अपॉन डेल जेड, डेल थीटा अपॉन डेल जेड प्लस डेल डेल अपॉन डेल फाई, डेल साई अपॉन डेल जेड इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड। लिखा वही है, डेल आर से डेल आर कैंसिल, डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू। इसी प्रकार से डेल जेड डेल थीटा से डेल थीटा कैंसिल, तो डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू, मतलब 3D स्पेस के लिए। ठीक, तो हमने इक्वेशन 8 से पहले हमने डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल थीटा अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू सब निकाली थी। ठीक, तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, हमने डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाली थी कॉस थीटा, डेल फाई डेल थीटा अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाली थी माइनस साइन थीटा अपॉन आर, डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाली थी 0। और हमने इक्वेशन 8 से डेल साई अपॉन डेल जेड डेल की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमने डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कॉस थीटा, डेल डेल वाई डेल आर की जगह डेल वाई डेल आर, और डेल साई अपॉन डेल जेड की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दी कॉस थीटा इंटू डेल साई अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, डेल साई अपॉन डेल थीटा। ठीक, और डेल थीटा अपॉन डेल जेड की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक, और डेल वाई डेल थीटा डेल साई अपॉन डेल जेड की वैल्यू रख दी 0। इसको हमने सॉल्व किया। ठीक, इसका हमें आर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड टर्म का थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको सॉल्व किया, इक्वेशन 11 दे दिया। जब हमने जो हमारे इसपे डेरिवेटिव थे सेकंड ऑर्डर के, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, तो हम इसको हम ऐड कर दें, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 9, 10, 11, तो क्या डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। जो हमारी डेल टू साई अपॉन डेल जेड की वैल्यू इक्वेशन 9 से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, कहाँ से, इधर से लेकर इधर तक। ठीक, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू इधर से इधर तक है। ठीक, और डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू इधर से लेके इधर तक है। ठीक, कोई फिर इसको आपको डिफरेंशियल जो इक्वेशन है देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बड़ा है तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत इजी है। आप फर्स्ट टर्म टर्म बाई टर्म देखते जाएं तो सॉल्व आसान हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होना है ज़्यादा। ठीक, तो आप उसी को बना के चलेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक,
आप फर्स्ट टर्म इसका देख रहे हैं, जैसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई टू डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 9 का फर्स्ट टर्म है। इक्वेशन 10 का फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर। आप इसमें देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल स्क्वायर का कॉमन हो रहा और कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बच रहा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इधर से हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल एस। आप इक्वेशन 11 का टर्म देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर। इसमें अब डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर को कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो हमारा एट लास्ट निकल के आ जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर। जी फर्स्ट टर्म को सॉल्व हमने किया तीन इक्वेशन को, सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। इधर लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाइव डेल बाई डेल आर वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा। इधर लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइव डेल बाई डेल आर वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा। इसमें आप देख रहे हैं कि कॉमन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डेल बाई डेल आर वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा का कॉमन हो रहा, तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 होती है। इधर से जो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डेल वाई डेल आर वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा। इधर से ये कैंसिल हो रहा है इसके सेकंड टर्म से, माइनस का है तो 0 आ जाएगा। अब थर्ड टर्म को देखेंगे, देखा माइनस का साइन फाई कॉस फाई डेल वाई डेल आर वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल फाई। इसका थर्ड टर्म देखेंगे, लिखा साइन फाई कॉस फाई डेल वाई डेल आर वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल फाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टर्म में लिखा है। इसी प्रकार हम टर्म बाई टर्म सॉल्व करते जाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारा एट लास्ट जे सॉल्व होके इतना आ जाएगा। ठीक, कितना डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 0 प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा इंटू डेल साई अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा इंटू डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन डेल थीटा माइनस साइन फाई अपॉन आर डेल अपॉन डेल फाई ब्रैकेट कॉस फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल आर प्लस कॉस फाई अपॉन आर डेल अपॉन डेल फाई ब्रैकेट साइन फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल आर माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई ब्रैकेट कॉस फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई ब्रैकेट साइन फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल फाई ब्रैकेट साइन फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल फाई प्लस कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल फाई ब्रैकेट कॉस फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल फाई। इस प्रकार से अब जो हमारे इतना डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना उसका उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, सॉल्व कर लो तो कट पिट जाएगा, जो बचेगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, तो आप ऐसा नहीं कि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा हो तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट नहीं इजी ही है। ठीक, तो इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया जो हमारा, तो हम बता दे रहे किस प्रकार से किया है। ठीक, आप डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर और कॉस थीटा अपॉन आर, इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में करना तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है डेल साई अपॉन डेल आर, ये तो फंक्शन नहीं है थीटा का, तो जी ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, केवल साइन थीटा का होगा। अब हमें करना है फिर कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर और जे ज्यों का त्यों डेल साई अपॉन डेल आर, क्योंकि जी थीटा का फंक्शन है ही नहीं। आप फिर अगला देखें कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ज्यों का त्यों जे थीटा के दोनों फंक्शन हैं तो फर्स्ट सेकंड से इसका डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा और फिर क्या होगा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है, अगेन करेंगे तो सेकंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ साई। ठीक, इस प्रकार से हम आगे सॉल्व करेंगे साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका दोनों थीटा के फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड से सॉल्व होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा सेकंड जो कहते हैं डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस, ठीक फर्स्ट जो कहते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड टाइम हो जाएगा माइनस का। अब इधर कॉस फाई का केवल अंदर एक ही फंक्शन है तो कॉस फाई का माइनस का साइन फाई होता है, तो साइन
माइनस माइनस प्लस, तो साइन फाई अपॉन आर इंटू साइन फाई डेल साई अपॉन डेल आर प्लस। फाई के एस्पेक्ट में करना है तो आप देख रहे हैं कॉस फाई अपॉन आर साइन फाई का कॉस फाई और डेल साई अपॉन डेल आर की डेल साई अपॉन डेल आर। फिर लिखा है इसका हमें कॉस फाई का करेंगे तो कॉस फाई का माइनस का साइन फाई, इसका हम मल्टीपल कर देंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा और डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस। इसका हम फाई के रेस्पेक्ट में करना है तो साइन फाई का क्या होता है कॉस फाई, कॉस फाई का मल्टीपल कॉस फाई में तो कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा। इसका हम फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट सेकेंड की, क्योंकि दोनों फाई के फंक्शन हैं। तो साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन फाई का कॉस फाई डेल साई अपॉन डेल फाई फर्स्ट टर्म करते हैं सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर थीटा, इसका हम फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको केवल कैंसिल करना है, काटना पीटना है। ठीक, तो सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक, जो हमारा सोलनिंग इक्वेशन था वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप इसको ध्यान से देखिएगा, डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर लिख दिया। आप इसको देख रहे हैं इस टर्म को, जी लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू डेल साई अपॉन डेल आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल आर, इसमें कॉमन हो रहा वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल आर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल आर। अब इसको देख रहे हैं आप, इसका ऐसा मल्टीपल होगा, इसका ऐसा मल्टीपल होगा तो जी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जी माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल थीटा, जी प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आप सेकंड टर्म में कौन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, इसका क्या आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल थीटा, तो कॉमन हमारा किसका होगा वन अपॉन आर स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल थीटा टू का होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो इसकी वैल्यू वन होती है। अब आगे सॉल्व करेंगे, आप इधर देख रहे हैं इस वाले में वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल आर का कॉमन हो रहा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू वन होती है, तो लिख दी वन अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल आर। अब इसका आप देखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी कॉमन किसका हो रहा कॉस अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल साई अपॉन डेल थीटा को कॉमन हो रहा, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू वन होती है। अब इतना बचा सॉल्व करने, इसका फर्स्ट टर्म में गुणा करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म में तो प्लस माइनस अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका इसमें करेंगे, इसका सेकंड टर्म में करेंगे तो इसमें कॉमन हो रहा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल फाई टू और क्या साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो इसकी वैल्यू वन होती है। इसको हमने अब इसको आ गए हमारा मतलब हम लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर और ये ऐड हो जाएंगे तो टू अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल आर, इसमें आर स्क्वायर का कॉमन हो रहा इन दोनों में वन अपॉन आर स्क्वायर का कॉमन ले लिया डेल टू साई अपॉन डेल थीटा टू प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा, जी लिख दिया वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल फाई टू। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक कैसा वन अपॉन आर स्क्वायर डेल वाई डेल आर ब्रैकेट आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर, इसका आप अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट सेकेंड से तो जे वाला स्टेप आ जाएगा। अगर आपको करके भी देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे हमने इसका हमें करना है डेल वाई डेल आर आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर ये लिखा है। ठीक, तो आप इसका फर्स्ट सेकेंड से कर लो तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन टू आर और डेल साई अपॉन डेल आर, फर्स्ट जो कहते हैं तो डेल टू साई अपॉन डेल आर टू, आप इसमें अंदर मल्टीपल कीजिए तो आ जाएगा कितना टू अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल तो डेल टू साई अपॉन डेल आर टू, तो आ गया ना वही, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको भी इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल वाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे फर्स्ट सेकंड से तो इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जी जैम कहते हैं लिख दिया वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल फाई टू। ठीक, अब हमने इसकी वैल्यू किसकी निकाल ली डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, टेन ही कल हमने इसकी वैल्यू निकाल ली जब हमने इक्वेशन नाइन टेन इलेवन को तीनों को ऐड किया था। तो
हम इसे टाइम इंडिपेंडेंट सोनिफिकेशन में फटका देंगे, ठीक, जो हमने सबसे स्टार्ट इक्वेशन लिया था। तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल वाई डेल आर ब्रैकेट आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल वाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपॉन डेल फाई टू प्लस टू एम एच कट स्क्वायर ई माइनस फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इस प्रकार हमने चाहे हाइड्रोजन एटम के लिए हो या कोई पार्टिकल हो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है इन थ्री डी स्पेस के लिए, उसको हमने जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया था उसे हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर लिया,